पिछले 24 घंटा में आज हमारा 14th अक्टूबर जो रेनफॉल रिपोर्ट मिला है, इसमें कोस्टल उड़ीसा एंड साउथ इंटीरियर उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। नॉर्थ इंटीरियर में बारिश कम ही हुआ है, उसमें कुछ कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म के साथ एक दो करके बारिश हुआ है। और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मेनली साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कंधमाल और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। हाइस्ट रेनफॉल अस्का गंजाम 210.4 मिलीमीटर, पुरुषोत्तमपुर 188.4 मिलीमीटर, दसपल्ला 102.8 मिलीमीटर, सरोदा 97.6 मिलीमीटर, दारिंगबाड़ी 74.0 मिलीमीटर और उदयगिरी 73.2 मिलीमीटर, ब्रह्मगिरी 70.0 मिलीमीटर, इस तरह से हुआ है। अभी डिप्रेशन तेलंगाना के ऊपर जो तेलंगाना ऊपर था वो अभी फर्दर और भी मूव कर गया है वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स। अभी इसका लोकेशन नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक का बार है, सो इसका डायरेक्ट अभी प्रभाव हमारा उड़ीसा पे बार नहीं है, बट अभी एक ट्रफ लाइन है हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से ईस्ट सेंट्रल अरबियन सी तक जो डिप्रेशन का थ्रू जा रहा है अलॉन्ग 17 डिग्री नॉर्थ। तो ये अपर एयर ट्रफ लाइन का बाजू से और अभी जो हमारा विंड पैटर्न है इसका बाजू से अभी हमारा उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश अगला 24 घंटा में होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का होने का भी चांसेस है और थंडरस्टॉर्म का साथ एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। ढेंकनाल, उंगुल, कटोक, खुर्दा, नयागढ़, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, ये सब का डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग भी है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स और उंगोल, ढेंकनाल, केउंझर, मयूरभंज, संबलपुर, देवघर में। फिर कल 15th में भी मेनली हमारा कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ही रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, इंटीरियर में फ्यू प्लेसेस में रहेगा, बट इसमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ ही जो होगा बट हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का वार्निंग है कोस्टल उड़ीसा, नवापारा, बोध, कलाहंडी, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद वही कुछ कुछ एरिया में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है अगला 3-4 दिन तक। फिशरमैन का और कोई वार्निंग नहीं है, पोर्ट वार्निंग का कोई वार्निंग नहीं है। अभी यही है भुवनेश्वर एंड कटक को जो दोनों हमारा कैपिटल सिटी है एरिया है, आज इसमें फ्यू स्पेल्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग के साथ हल्का से मध्यम बारिश होगा, एक दो इंटेंस स्पेल भी बारिश होने का चांसेस है भुवनेश्वर कटक सिटी एरिया में।